ओम शांति ओम शांति आज की तारीख है एक ग्यारह बीस और आज की ज्ञान मुरली प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की सुनेंगे रिवाइज कोर्स की तारीख है ग्यारह चार छियासी तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों के प्रति बच्चों को देखकर बोले आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं तकदीरवान सभी बने हैं जितने भी बच्चे हम बैठे थे सभी तकदीरवान बने हैं लेकिन हरेक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों दा रुपयों के दाम की अमूल्य होती है कोई साधारण भी होती है यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है इसमें अंतर हो जाता है प्रैक्टिकल लाने में सभी नंबरवार हो जाते हैं तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबर वार दिखाई दे रहे हैं कोई भी तस्वीर की विशेषता नैन और मुस्कुराहट होती है किसी भी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उसके चेहरे पर मुख्य ध्यान उनके नैन और उनकी मुस्कुराहट पर ही जाता है तो इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं नैन अर्थात विश्व कल्याणी रहम दिल और पर उपकारी दृष्टि ये हरेक भाव हमारे नैनों के अंदर आने चाहिए अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट चेहरे की चमक ये है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता की और प्रसन्नता की झलक इस विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक तो आज यही देख रहे थे तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति अब है सतगुरु बाबा का वरदान न्यारे और प्यारे बनने का राज न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं वो सदा स्वयं ही स्वयं से राजी रहते हैं प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के भी प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं इसलिए उन्हें किसी को काजी यानी वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं स्लोगन है सेवा से जो दुआएं मिलती है वो दुआएं ही तंदुरस्ती का आधार है अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे नूरे रत्न शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते Namaste Om Shanti